तो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज हम एक और डिमांड के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं और वो गोल शॉट है 487। जी हाँ गाइज, 487, इसकी सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं, सब कुछ गाइज मल्टीप्लेयर के अंदर। ये शॉट कैसा होने वाला है, कैसा नहीं, इसे बाई करना चाहिए कि नहीं, अगर आपने बाई कर लिया है तो इसे आप कैसे खेल सकते हैं, तो गाइज सब कुछ आपको बताएंगे। तो बस वीडियो में बने रहिए, आपको एकदम भरपूर मजा आने वाला है। तो गाइज सबसे पहले एक गोल शॉट है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तब। गाइज मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी को, अगर आपको खरीदना है शॉट तो आपको शॉट बुक में आना पड़ेगा और वहाँ से 487 नंबर का शॉट यहाँ पे है, आप इस शॉट को परचेज कर सकते हो। मैं पहले से खरीद के रखा हूँ, मैंने सोचा चलो भाई आप लोगों का डिमांड भी था बहुत लोगों का, और गाइज मैं सोचा कि भाई कोई और लेना चाहता हो तो उसको रिव्यू भी मिल जाएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर इस शॉट का रिव्यू था नहीं। तो गाइज हम फाइनली शॉट को परचेज तो कर चुके थे पहले ही, अब आते हैं अपने शॉट मैप में, आपको दिखा देते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल भाई डायरेक्शन देख लो, और स्पेशल शॉट है, ध्यान रखना गाइज स्पेशल शॉट है, सारे बैट्समैन के लिए अवेलेबल है और आप डायरेक्शन भी देख सकते हो। तो गाइज फाइनली हमने आप अपने शॉट मैप में अप्लाई कर लिया है, अब आते हैं लेंथ। भाई लेंथ और पोजिशन, इस शॉट का दो ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अगर आपके पास ये शॉट है तो। गाइज यहाँ पे देख लो, यॉर्कर को गाइज बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करता है, मैंने 6-6 गेंद ट्राई करी, यॉर्कर को कनेक्ट नहीं करता है, फुलर लेंथ की बॉल को कनेक्ट करता है, और गुड लेंथ पे गाइज गूगली को छोड़ के कैरम वगैरह सबको कनेक्ट करता है, ध्यान रखना फ्लिपर को कनेक्ट नहीं करता है, आगे मैं प्रूफ भी दूंगा। फाइनली यहाँ पे देख लो, नहीं कनेक्ट कर रहा है भाई, फास्टर की इन स्विंग बॉल को भी गुड लेंथ पे कनेक्ट नहीं करता है। मैं आप दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कैरम बॉल है, कनेक्ट कर लिया है आपके सामने, मैं गाइज ए टू जेड प्रूफ दे रहा हूँ मल्टीप्लेयर के अंदर, आप लोग देख लो यहाँ पे कैरम बॉल थी, कनेक्ट कर लिया है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। वहीं यहाँ पे आप देखो तबरेज हम से गूगली गेंद करेंगे और देखो यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं किया है, आप कितना भी खेल लो गूगली गेंद पे गुड लेंथ पे कनेक्ट नहीं करेगा। वहीं फ्लिपर गेंद है तो देखो यहाँ पे फ्लिपर गेंद बैट के नीचे से निकल जाएगी और आप स्टम्प आउट नहीं होगी, लेकिन मतलब विकेट कीपर के हाथ में जाएगी, कनेक्ट नहीं होगी फ्लिपर, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि पोजीशन, क्योंकि गाइस पोजीशन इस शॉट का बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको अगर बॉल अंदर आ रही है, आप 3 स्टेप की भी दूरी रखे हो तब भी गाइस ये शॉट नहीं लगता, आपको 4 स्टेप की दूरी रखनी पड़ेगी अगर बॉल अंदर आएगा तो। देख लो यहाँ पे 4 स्टेप की दूरी है और कनेक्ट हो गया, अगर बॉल बाहर निकलेगी ज़्यादा तो आपको 2 स्टेप की दूरी रखना है, अगर बॉल स्ट्रेट रहे तब आपको 3 स्टेप की दूरी रखना है, सॉरी गाइस स्ट्रेट बॉल पे 3 स्टेप की दूरी रखना, ज़्यादा बॉल अंदर आए तो 4 स्टेप की, बाहर जाए तो आपको 2 स्टेप की, और देख लो परफेक्ट टाइमिंग पे भी 6 नहीं जाता है, आपको मैंने प्रूफ करके दिखाया ए टू जेड इस शॉट के बारे में। फिर भी कोई भी डाउट होगा इस शॉट से रिलेटेड या फिर RC22 से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, आपका भाई गाइज आपका हर एक कमेंट का जवाब देगा। फिर मिलते हैं एक और तगड़े वीडियो के साथ, किसी और शॉट के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गाइज ऐसे ही शॉट आप देखना चाहते हैं, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।